हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराधा आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए। इसी के साथ आज फिर से एक नई ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे मटन अपने स्टाइल में। मैं कोई रेसिपी ऐसे नहीं देते, क्योंकि मैं जैसे खाती हूँ वही दिखाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज ये बनाने के बाद हम एक जगह जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही खुशी के दिन है। हमारे भाई की बेबी होने वाले हैं, तो ये खुशी के मौके आप लोगों के साथ भी हम शेयर करने चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बनाएंगे मटन हमारी स्टाइल में। तो देखिए, हमने प्याज बड़ी बड़ी से दो काट ली, और अदरक लहसुन की पेस्ट दे दी, और बाद में मिर्ची डालेंगे। और यहाँ पर हम अभी डालेंगे ये देखिए, ये मीट मसाला एवरीडे। जीरा मसाला, तो देखते रहिए आप लोग। तो देखिए, जीरा हम ये कूट के दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि जीरा इसे कूटने से अच्छा लगती है। तो चलिए देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, हमने वो जीरा डाल दी, और अभी हम यहाँ पर ऐसा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो अभी हम ये 10 मिनट तक मैरिनेट करके रखेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है। मैं तो ये आधा घंटे तक मैरिनेट करके रखने से अच्छी होती है, लेकिन अभी हमारे टाइम बहुत कम है। बस देखिए, मैंने हल्दी भी डाल दी और नमक भी। तो ये अच्छी तरह से ऐसे करके मैरिनेट करेंगे। तो 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, फिर इसे बनाएंगे। ये 15 मिनट पूरा हो गई है। तो अभी कढ़ाई चढ़ा दी हमने गैस में। तो अभी हम यहाँ पर तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल। मटन बनाने के लिए, तो देखिए ये मटन हमारी 1 किलो है, 1 केजी। तो अभी हम ये बनाएंगे। तो लोग भी ज़्यादा है हमारे, तो चलिए तेल गरम हो रही है ये देखिए। तो अभी हम मटन डाल सकते हैं। मैंने सारा मटन डाल दी, और अभी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पानी निकल रही है, सारा सीखना पड़ेगा। इसके बाद ही हम पानी डालेंगे। अभी हम यहाँ पर पानी डालेंगे, अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए कलर भी कितनी अच्छी कर रहे हैं। तो देखिए ये पानी उबल रहे हैं, हम गर्म पानी यूज करेंगे यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा देकर हम क्योंकि मटन यहाँ पर हम ये जो है ना दालचीनी, ये है ये देखिए, और इलायची, ये सब हम यहाँ पर कूट लेंगे। और ये नहीं देने से तो मटन की स्वाद अच्छी नहीं लगती।
फ्रेंड्स, अभी हम हरी मिर्ची थोड़ा कट लेते हैं क्योंकि हमें तो लाल मिर्ची ही देना चाहिए था, लेकिन वो आज मेरे पास नहीं है तो हम तो हरी मिर्ची ही कट कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, हमारी मटन उबल रही है, हम थोड़ा सा ग्रेवी खाएंगे और ये जो मसाले हमने करके रखे थे ना गरम मसाले, तो अभी हम डाल देते हैं, इससे खुशबू अच्छी आती है। तो ये देखिए, ये तो फ्रेंड्स देखिए हमारी मटन रेडी हो गई है, ये देखिए कल। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम जाने के लिए रेडी हो गई है, तो देखिए हमारी मटन भी हो गई और हमने खाना भी खा ली, तो अभी हम जल्दी जल्दी जाने वाले हैं। तो चलिए, मैं रेडी हो गई हूँ देखिए, और मैं जाऊँगी और मेरी बेटी कावेरी और कावेरी के पापा, तो हम तीनों ही जाएंगे, तो चलिए वहाँ पर मिलती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम रनिया जा रही हूँ, तो देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई हमें, तो चलिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम हॉस्पिटल पहुँच गए, देखिए ये रनिया की है स्पर्ख हॉस्पिटल, और अभी केबिन 6 में है हमारी, देखिए जो बेबी आने वाले हैं, देखिए मम्मी होने वाले हैं, ये मेरे भाई की बेबी, और ये देखिए मेरे भाई, सब लोग वेट कर रही हूँ और सब लोग खुशी में है, बहुत ही एक्साइटेड है सभी। तो चलिए अभी हम दिखा रहे हैं क्या नहीं होगा क्या होगा, सभी को चिंता हो रही है, तो चलिए देखते रहिए। तो देखिए अभी जाने के टाइम हो गई है ओटी में, तो देखिए सिस्टर लोग आई है लेने के लिए, और थोड़ा सा वो काम है इसके बाद लेके जाएंगे, तो चलिए देखते रहिए। तो ये देखिए हम सब लोग बाहर ही वेट कर रहे हो, देखिए ये है भांजी और मामा, और देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, ये है देखिए हम ओटी के बाहर ही रुके हुए हो क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं सीजरिंग, तो देखिए सब लोग रुके हुए हैं, उन लोगों की माँ पापा, देखिए ये हमारे पापा है और ये है उनके माँ और ये है मेरी माँ, तो चलिए सब लोग बैठ करें। तो देखिए फाइनली हमारी लक्ष्मी आ गई है, बेटी हुई है, हम लोग बहुत ही खुश हैं, देखिए कैसे रो रही है। तो चलिए आज के लिए इतनी ही, एक नई ब्लॉग में मुलाकात होगी, तो चलिए आज के लिए बाय बाय एंड गजेंद्र।